खबरदार हो जाइए, अगर आप 100 नंबर पर झूठी सूचना देते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। ये बात हमने खुद डीआईजी शिव सागर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसएसपी को निर्देशित किया जा चुका है। अगर कोई 100 नंबर पर फालतू बात कर और गलत सूचना देता है तो उस नंबर को ट्रेस आउट कर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बीते दिनों एक महिला के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी थानों को हाईटेक करने के साथ ही सुव्यवस्थित किया जा रहा है। अपराध की समीक्षा सभी थानाध्यक्षों सीओ साहबान के साथ मीटिंग की गई है। जो कमियां विशेष रूप से सफाई कमी नजर आई कल पुलिस ऑफिस में भी, आज पुलिस लाइन में भी, और पुलिस लाइन में सफाई इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आरआई और सीओ लाइन्स को चेतावनी दी गई है। जो अभिलेखों में कमियां हैं, जो प्रविष्टियां नहीं हैं, निर्देशित किया गया है वो पूर्ण कर ली जाएं। जहां तक सफाई की बात है, एक महीने में पुनः पुलिस लाइन का राउंड लूंगा और तब तक एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि एकदम पूरा सब सही करा लेंगे। जी जी, काफ़ी इस दिशा में रंगाई पोताई हो रही, मरम्मत हो रही है। जैसे महिला थाना बहुत सही कर दिया गया है, इसी तरह से मैं आज राजघाट थाने में गया तो वहाँ भी काम चल रहा है। कंट्रोल रूम में भी इनके यहाँ मरम्मत हो रही है और पुलिस ऑफिस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ भी रंगाई पोताई चल रही है। पैसा है, ये लोग सभी भवनों में काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको एकदम आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। हाँ, कंट्रोल रूम में कुछ लोग कल निरीक्षण के दौरान मालूम हुआ था कि फेक कॉल्स आते हैं, इवन कुछ लोग गाली देते हैं टेलीफोन पर। तो कल ही मैंने कहा था तो एसएसपी साहब ने उसमें आज किया, दो लोग उसमें पकड़े गए हैं फेक कॉल करने वाले। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जनता की सुविधा के लिए है 100 नंबर, उस पर कोई बदतमीजी करने के लिए नहीं है। ऐसे लोग जो करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, उसमें तो जो इस तरह के फॉल्स या फेक कॉल करते हैं वो सब पुलिस की नज़र में हैं, वो नंबरों को क्लोजली देखा जा रहा है। जैसे ही पता चलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है।